हे गाइस, तो क्या किसी ने कभी अपने क्रोम को कस्टमाइज करने के बारे में सोचा है कि यार कि मेरा सर्च बार काश नीचे होता या टैब्स मेरे ऐसे आने की जगह ऐसे आते, या फिर थोड़ा सा मेरा क्रोम बाकी उसे स्मूथ चलता, मैं कुछ को डाउनलोड नहीं कर पाता, किस चीजों को काफी अच्छे से डाउनलोड कर पाता। सोचा तो होगा क्योंकि यार क्रोम में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत अनाइन चीज है। तो उसके लिए गूगल बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है क्रोम फ्लेक्स के ऊपर। क्रोम फ्लेक्स है एक तरह से आपके फोन के डेवलपर ऑप्शंस। तो जैसे आप अपने फोन में डेवलपर ऑप्शंस ओपन करते हो एंड अपने फोन को काफी चेंजेस कर सकते हो, लाइक एनिमेशन हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, मतलब खेल सकते हो उसके साथ, थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, सेम चीज क्रोम में भी होगी यूजिंग क्रोम फ्लेक्स। सो पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करना है एंड कमेंट भी जरूर करना है कि कौन सी, मैं अभी आपको काफी सारे क्रोम फ्लेक्स बताने वाला हूँ, तो उनमें से आप मुझे बताना कि आपको कौन सा पसंद आया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हे गाइस, मैं हूं वैभव एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं सारे के सारे क्रोम फ्लेक्स के बारे में जो कि बेस्ट हैं। सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर आपको एक पूरी लिस्ट देखनी है कि यार क्रोम फ्लेक्स कितने हैं या क्या क्या काम करते हैं, तो आप सिंपल अपने गूगल पे लिख सकते हो क्रोम फ्लेक्स, या फिर ये जो लिंक मैंने अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा इसको सिंपल आप डालो अपने क्रोम पे डालो एंड देख लो एक बार लिस्ट को। देखने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपको देखने हैं कि बेस्ट वाले कौन से हैं तो मेरे जो अभी लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ उनके थ्रू जाइए। अब यार पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके फोन में आपके लैपटॉप में चले, क्योंकि ये अलग अलग ये अभी फीचर्स जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहे हैं, यानी कि अभी गूगल ने इनको पब्लिक नहीं करा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वे पे आपको बेटा मोड में इनको यूज करने को मिल जाता है। तो हो सकता है आपके फोन में ना चले या उतने अच्छे से ना चले या बिल्कुल ही ना चले, अनेबल ही ना हो, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन जो लिस्ट मैं देने वाला हूँ उनमें नहीं आएंगी ये वाली प्रॉब्लम्स, आएंगी बाकी के लिस्ट में जो आप मे भी गूगल करके देखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने पहले क्रोम फ्लैग की तरफ, जो कि है पैरेलल डाउनलोडिंग। तो यार पैरेलल डाउनलोडिंग में होता क्या है कि आपका जो कोई अगर बहुत बड़ी फाइल है आपको डाउनलोड करनी है, कितना टाइम लगेगा, लाइक 20 GB की फाइल है, 50 GB की फाइल है, बैठे रह जाओगे, होती रहेगी, बहुत अनॉइंग हो जाता है। तो अगर आप ये वाला जो लिंक अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर श्योर, उसको अपने गूगल पे डालो, अनेबल का ऑप्शन आएगा उसको अनेबल करो। उसके बाद होगा क्या, आपका जो बड़ी फाइल है, इतनी बड़ी सी फाइल है, वो हो जाएगी पार्ट्स में डिवाइड, छोटे छोटा पार्ट अलग अलग एक साथ पे डाउनलोड होना शुरू होगा। इट मीन्स आपकी एक साथ 4 या 5 जगह पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी उस बड़ी फाइल की एंड आपकी फाइल हो जाएगी जल्दी डाउनलोड। तो यार ये काफी बढ़िया चीज है, मैं पर्सनली इसको यूज करना काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि लाइक वीडियोस का काम काफी लंबा बैठ जाता है, तो उसको डाउनलोड करने में काफी सही रहता है। तो यार ये काफी एक यूज करने लायक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड की तरफ, जो कि है स्मूथ स्क्रॉलिंग। यार स्मूथ स्क्रॉलिंग के अंदर जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि होगा क्या, क्रोम स्मूथली स्क्रॉल करना शुरू करेगा, जो कि आपने देखा होगा क्रोम बहुत लैग करता है। यार क्रोम को डाउन करो, धीरे 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 पेज लोड होगा, मतलब काफी अनॉइंग सी चीज है, काफी लैग करता है क्रोम, तो उसके लिए काफी सही चीज है, क्योंकि आप जस्ट स्वाइप अप करो एंड पूरा पेज आपके सामने खुल के आता है, तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी मजा आता है इसको यूज करने में, क्योंकि मजा ही आता है यार स्वाइप अप डाउन स्वाइप अप करने में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्रोम फ्लैग की तरफ, जो कि है पासवर्ड जनरेशन। तो गाइज रैंडम पासवर्ड डालने से अच्छा या फिर अपने नाम के आगे 123 डाल के या अब पासवर्ड को पासवर्ड डाल के, बहुत अनॉइंग पासवर्ड होते हैं, बहुत इजीली क्रैक होते हैं। एंड अगर आप लोगों ने हमारे गेस्ट टॉक्स या काफी और वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सिक्योर पासवर्ड कितना जरूरी है, या फिर आपका हैक कितनी जल्दी हो सकता है अगर आपके फालतू के पासवर्ड होते हैं। इसके लिए गूगल ने एक नया गूगल क्रोम फ्लैग बना रहा है, जो कि होगा पासवर्ड जनरेशन के नाम से। ये आपको एक जनरेट पासवर्ड करके देगा, एक हार्ड पासवर्ड जनरेट करके देगा, जो कि अच्छा रहेगा आपके सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि गूगल आपको पासवर्ड जनरेट करके देगा जो आपका पर्सनल होगा, लेकिन वो पासवर्ड गूगल पे भी होगा, तो आपका पर्सनल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है भाई, गूगल है, सवाल नहीं उठा सकते, ना 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 कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्रोम फ्लैग के बारे में, जो कि है ब्लॉक डाउनलोड। यार ब्लॉक डाउनलोड करता क्या है कि अगर आप किसी सस्पिशियस वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आपके लैपटॉप या मोबाइल में आ जाता है मालवेयर उन वेबसाइट से, उसको रोकता है ये क्रोम फ्लैग, जो कि है ब्लॉक डाउनलोड। तो यार ये सिंपली आपकी हार्म दिखा देगा कि हाँ भाई कुछ हार्मफुल आप डाउनलोड कर रहे हो, उसको डाउनलोड होने से रोक देगा, तो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए अच्छी है यार, करने में तुम्हारा कुछ जान ही रहा है, एक बार ट्राई जरूर करो। अगर ऊपर की कोई या नीचे नहीं पसंद आती है आगे की लिस्ट में भी, तो
मत हट करना, डिसेबल कर देना, लेकिन एक बार यूज करके देखो क्योंकि काफी अच्छी चीज है यार। मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, गूगल ने बनाई है, अच्छी चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्रोम फ्लैग के बारे में, जो कि है स्क्रॉल एंकर सीरियलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, आपने कभी देखा है कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो एंड गलती से आपका हो गया फॉर्म बंद, तो आप जब उसको दोबारा ओपन करोगे तो वो आपको ले जाता है एकदम होम पेज पे, बेस पेज पे, जो कि बहुत अनोइंग है यार, क्योंकि आपको दोबारा फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा। फॉर्म नहीं, अगर आप कोई यूट्यूब देख रहे हो या कोई और वेबसाइट पे काम कर रहे हो, जब आप काफी अंदर घुस गए हो वेबसाइट के, एकदम से क्रॉस बटन दब गया या एकदम से बैक हो गया, यार सब खत्म, दोबारा से स्टार्ट करो अपना पूरा प्रोसेस, काफी अनोइंग चीज है, राइट। इसके लिए स्क्रॉल एंकर सीरियलाइजेशन, ये जो लिंक है इस पर एक बार क्लिक करो, थोड़ा सा देखो, क्लिक नहीं है इसको टाइप कर ले यार, जो भी है। मैं सारे के सारे लिंक्स जो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनको जस्ट कॉपी पेस्ट करके बढ़ा सको। तो नेक्स्ट क्रोम फ्लैग है हमारा ग्राफिक एनहेंसमेंट के बारे में। यार ग्राफिक एनहेंसमेंट, आपने सस्ता लैपटॉप तो ले लिया है, दिख रहा है मेरे को सस्ता लैपटॉप ले लिया, लेकिन ग्राफिक्स की सोच रखते हो यहाँ की कि भाई 40,000 के लैपटॉप में मैं मैकबुक को मात दूंगा, भाई ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़े से या तो ग्राफिक कार्ड डलवाओ अच्छा, एंड अगर उसके पैसे नहीं है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर करना ही क्यों है यार, गूगल क्रोम ने एक नई फ्लैग्स निकाल दी है इसके लिए भी, जिसका नाम है ग्राफिक एनहेंसमेंट। इस पर क्लिक करो, थोड़ा इसको कॉपी पेस्ट करके देखो, ग्राफिक्स में इतना इंप्रूव आएगा, यहाँ से यहाँ पे इंप्रूव आएगा, तो एक बार ट्राई करके देखो, अच्छी चीज है। अब जो लास्ट हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट होगी, अगर लेकिन लास्ट बताने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज पहले वीडियो लाइक करो फिर मैं बताता हूँ, कर दी, ठीक है चलो नेक्स्ट बताता हूँ। जो लास्ट है वो है टैब ग्रुपिंग की। तो यार कभी कभी गूगल क्रोम में इतने सारे टैब खुल जाते हैं कि अगर पेपर्स हैं, पेपर्स में ये भी टैब वो भी टैब, हर जगह से पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है, वहां से भी पढ़ना है, हर जगह से पढ़ना है, उसके टैब इतने सारे खुल जाते हैं भाई, टैब दिखते नहीं है। और अगर आप फोन पे चला रहे हो यही चीज तो नंबर आ जाता है 99 या डी फिनिश भाई, और टैब भी नहीं खुल रहे हैं तो एकदम बहुत परफॉर्मेंस लो हो रही है। तो उसके लिए आप अपने टैब को ग्रुप कर सकते हो एक साथ, जो सिमिलर से टैब्स हैं उनको एक जगह ग्रुप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो आपने जरूर देखी होगी हमारी क्रोम एक्सटेंशन की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था वन टैब एक्सटेंशन के बारे में, ये भी उससे थोड़ा सिमिलर है। वो क्या कर रहा था, एक ही पेज पर आपके सारे टैब्स ला देता था। अगर उसके बारे में नहीं पता है तो एक बार लिंक आ रहा है, एक बार क्लिक करके देख लो, बढ़िया वीडियो है वो भी, उसमें भी मैंने काफी अच्छी अच्छी एक्सटेंशन के बारे में बताया है। एंड इस एक्सटेंशन में, इस फ्लैग में भी आपको कुछ नहीं करना, वो सिमिलर से आपके ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करके रख देगा, थोड़ा बढ़िया करके आपको दिखाएगा, पेश करेगा, बढ़िया करेगा। तो यार इस लिंक पे क्लिक करो या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करो, वहां तक लेके जाओ, एक बार अनेबल करके देखो। अगर इनमें से एक भी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भाई ये वाली बड़ी सही थी, या फिर ये वाली नहीं बताई वो वाली अच्छी थी, या फिर जो आप यूज करते हो वो मेरे को बताओ ताकि मेरी भी हेल्प हो यार आगे की। आप लोग बताओगे तभी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस मी।